बचपन से ही आपने लोगों को हाथ पैर और गले में काला धागा बांधते हुए देखा होगा। वैसे इसके पीछे कई कारण होते हैं। धर्म और ज्योतिष में भी काला धागा पहनने के कई फायदे बताए गए हैं। इसका संबंध सीधे शनिदेव से होता है। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है। इस साल शनि जयंती 30 मई को है। इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किए गए उपाय तेजी से असर दिखाते हैं। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शनि दोष हो या जो शनि की 7.5 ढैया से ग्रसित हो, उन्हें इस दिन कुछ जरूरी उपाय कर लेने चाहिए। इन उपायों में काला धागा धारण करना भी शामिल है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपको इस बारे में बताएं, अगर आपने हमारे चैनल न्यूज नेशन श्रद्धा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। काला धागा बांधने का प्रभाव। ज्योतिष और वास्तु के अनुसार शरीर पर काला धागा बांधने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसके चलते नकारात्मकता दूर हो जाती है। इसके अलावा पैर में काला धागा बांधने से शनि के साथ साथ राहु केतु ग्रहों के प्रकोप से भी राहत मिलती है। इससे शनि दोष दूर होता है और शनि दोष के कारण आने वाली समस्याओं से भी बचाव होता है। काला धागा बांधने का सही तरीका। वैसे तो आमतौर पर काला धागा बांधना ज्यादा सही होता है, लेकिन इसे हाथ या गले में भी धारण किया जा सकता है। अक्सर जिन लोगों के पैरों में दर्द रहता है, उन्हें अपने बाएं पैर में काला धागा बांधना चाहिए। वहीं जिन लोगों को पेट में दर्द की शिकायत होती है, वे पैर के अंगूठे में काला धागा बांधें, क्योंकि ये बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों के असर से बचने के लिए बहुत उपयोगी है। काला धागा पहनने से शनि दोष के अलावा राहु केतु के बुरे असर से भी निजात मिलता है। बस ये याद रखें कि विधि विधान से काला धागा धारण करने से ही इसका पूरा फायदा मिलता है। कैसे पहने काला धागा? काले धागे में 9 गांठ लगाएं। इसके बाद इसे शनि मंदिर या भैरव मंदिर में जाकर धारण करें। ऐसा करने से बेहतर नतीजे मिलते हैं। काला धागा शुभ मुहूर्त जैसे कि अभिजीत या ब्रह्म मुहूर्त में ही धारण करें। वैसे तो शनि जयंती के दिन काला धागा धारण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके अलावा शनिवार के दिन भी काला धागा पहन सकते हैं। काला धागा पहनने के बाद 21 बार शनि के बीज मंत्रों का जाप करें। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।